बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, श्री वंदो सती गुरु चरणिको करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। परम धाम के निस्वती सुंदर साहब जी आप सभी के हृदय में विराजमान, श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट वीर प्रणाम। आइए प्रतियोगिता को शुरू करते हुए पहले एक भजन का गायन करें धनी जी के चरणों में। सभी मेरे साथ अपने अपने घरों में गाया करें तो बड़ा आनंद आएगा। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये निस्बत भूलू ना फना में डोलू ना, ये निस्बत भूलू ना फना में डोलू ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिन रात करो मैं हजूर बंदगी, दिन रात करो मैं हजूर बंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तू मेरे जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में
खो जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, फिर इश्क की बातें तो लगती है अच्छी, फिर इश्क की बातें तो लगती है अच्छी। मैं वाहिदत में आऊं मैं निस्बत पा जाऊं, मैं वाहिदत में आऊं मैं निस्बत पा जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम, दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम, नजरों को नजर कर दो ये इश्क का आलम, नजरों को नजर कर दो ये इश्क का आलम। रजा मंदी तेरी वही मर्जी मेरी, रजा मंदी तेरी वही मर्जी मेरी, प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है, पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है। तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है, पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है। ओ प्राणों से प्यारे ओ न्यारों से न्यारे, ओ प्राणों से प्यारे ओ न्यारों से न्यारे, प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया।
ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी मिलकर इस प्रगट वाणी की चर्चा को सुन रहे हो। धाम के धनी स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकट हुई पहली बीतक, जिसका हम आनंद ले रहे हैं सभी सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी आइए, कल के रोज हम सुन रहे थे कि तब हम जाए पिया सो कही, खेल अक्षर का देखें सही। कल हमने सुना कि हम सारी सखियां बनों में गई और सब सखियां मीटिंग करके आई आपस में कि आज जब धाम के धनी हमसे पूछेंगे ना आपको कहाँ जाना है, तो हमें एक ही बात बोलनी है सबको मिलके कि हमें आज जमुना जी के घाट पे नहीं जाना, पाट घाट पे नहीं जाना, आज तो हमें अक्षर भगवान का खेल देखने के लिए जाना है। तो जब ये बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने धनी, जब ये बात पिया जी ने सुनी तो श्री राजजी महाराज मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए रूहो उस खेल के अंदर आप मत जाओ। और श्री राजजी महाराज के दिल में पता क्या है सुंदर साहब जी, श्री राजजी महाराज का दिल तो कह रहा है कि ये मुझसे खेल मांगे, पर मने किए हमको तीन बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। ऊपर से मना कर रहे हैं, तीन बार हमको मना किया, और दिल से चाहत क्या है श्री राजजी महाराज की, धनी जी दिल से चाहते हैं कि ये खेल मुझसे मांगे और मैं इनको खेल दिखाऊं, अंदर की चाहत है उनकी ये। और धनी कहे घर की न रहसी सुध, भूल सी आप न रहसी ए बुद्ध। और धाम धनी ने कहा कि रूहो मत जाओ उस खेल के अंदर, आपको परम धाम की सुध नहीं रहेगी। भजन की लाइन में कहते हैं, मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चलाई, ए धाम धनी हमें खेल दिखा दो इच्छा मन में आई। मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चलाई, ए धाम धनी हमें खेल दिखा दो इच्छा मन में आई, कहीं दूर लेके जाना के यहीं पे दिखाना, कहीं दूर लेके जाना के यहीं पे दिखाना, अरे ये बातें करने वाली कोई और नहीं, अरे ये बातें करने वाली कोई और नहीं। तू कॉल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कॉल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठौर नहीं, तेरा पिया जी के बिना कोई और नहीं। पिया ने हमको कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, पिया ने हमको कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई,
मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई, हमें तीन बार रोका हमने बिल्कुल ना सोचा, हमें तीन बार रोका हमने बिल्कुल ना सोचा, अरे ये जवाब देने वाली कोई और नहीं, अरे जवाब देने वाली कोई और नहीं, तू कॉल याद कर ले तू फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठौर नहीं, तेरा पिया जी के बिना कोई और नहीं। धाम धनी ने एक हाथ फिर दो से कुन के डारी, धाम धनी ने एक हाथ फिर दो से कुन के डारी, फरामोशी का पर्दा डाला देखी सृष्टि सारी, फरामोशी का पर्दा डाला देखी सृष्टि सारी, रूहों से ये कह दीना तुम याद जब कीना, रूहों से ये कह दीना तुम याद जब कीना, मैं मोमिनों के दिल में हूँ कहीं और नहीं, मैं मोमिनों के दिल में हूँ कहीं और नहीं, तू कॉल याद कर ले तू फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठौर नहीं, तेरा पिया जी के बिना कोई और नहीं। भजन में भी कह दिया कि हमें तीन बार रोका हमने बिल्कुल ना सोचा, कहते हैं मने किए हमको तीन बेर तब हम मांगिया फेर फेर फेर, तीन बार धामधनी ने हमें मना किया कि आप इस खेल के अंदर मत जाओ, ए रूहो ये दुख रूपी खेल आप मत मांगो, धनी कहे घर की ना रहसी सुध। लाडले सुंदर साथ जी, हमें सारी बातें धामधनी ने मूल मिलावे के अंदर बैठ के समझा दी थी, क्योंकि जब 4:30 बजे का समय हुआ शाम का, तब सब आत्माओं को धामधनी ने मूल मिलावे के अंदर बैठाया और मूल मिलावे में बैठा के पूरी खेल की भूमिका बांधी कि वो खेल बड़ा दुखदाई होगा, ऐ रूहो वहाँ जन्म होगा मरण होगा, वहाँ ईर्ष्या होगी द्वेष होगा और वहाँ 33 करोड़ देवी देवता होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे, और धामधनी हमें समझाने लगे कि ए रूहो तुम इस खेल को मत देखने के लिए जाओ, पर रूहों ने कहा धामधनी हमें तो ये खेल देखना है, तो धामधनी ने कहा जिस खेल में तुम जा रही हो ना रूहो, वहां जाके आपको अपने परम धाम की सुध नहीं रहेगी, पहली बात कही धनी ने। देख लो आज सुंदर साहब जी, हम इस खेल के अंदर आए हैं और इस माया ने हमें इस प्रकार कोमा की स्थिति में कर दिया है, आज हमें परम धाम याद नहीं है, जो धनी ने कहा, धनी कई घर की ना रहसी सुध, इस परम धाम के लिए तुम्हें कभी होश भी नहीं आएगा, भूल सी आप और तुम पर आत्म के तन जो तुम्हारे मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं ना, जिसको तुम दाढ़ी की कलियों की तरह बैठ रही हो, क्योंकि हम सारी की सारी सखियां इस प्रकार अंग से अंग लगा के बैठ गई मानो दाढ़ी की कलियां हो, एक उंगली भी बीच में निकलने की जगह नहीं छोड़ी, इस प्रकार हम मूल मिलावे में सटक के बैठ गई। तब धामधनी ने कहा था श्री महामत कहें बैठियां देख के हक हसत हैं हम पर, देखो इन विद खेल में बेलियां रहो क्यों कर। धामधनी ने जब हमें ऐसे दाढ़िम की कलियों की भांति बैठते हुए देखा तो धामधनी ने कहा कि इस तरह मुझे आप खेल में रह के दिखाना, जैसे मूल मिलावे में बैठी हो ना,
हंस रहे थे धाम के धनी कि यहाँ पे तो गले में बइयां डाल के बैठ रही हैं और वहाँ पे एक सखी दूसरी सखी को देखना भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, नफरत होगी। ऐसे संसार में ये आत्माएं जा रही हैं। धाम के धनी ने परमधाम में बैठ के भूमिका बांधी। शाम का 4:30 बजे का समय और मूल मिलावा इतना सुंदर, जिस मूल मिलावे के अंदर हम बैठे हैं सुंदर साथ जी, वो 5वां चौक गोल हवेली, कमर भर ऊंचा और 4 दरवाजे चारों तरफों और 64 थंब 60 थंब 4 दरवाजे सुंदर लाल रंग की, उसके ऊपर गिलम बिछी हुई सुंदर और ऊपर हरे रंग का चंद्रमा और चारों तरफों सुंदर रत्नों से जड़ित कठेड़ा, मध्य में 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल, उसके ऊपर सुंदर सिंहासन लगा हुआ और सिंहासन के ऊपर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। सुंदर स्वरूप में श्री राज जी महाराज ने केसरिया रंग की इजार, थोड़ा अपने चित्तवृत्ति को मूल मिलावे की तरफ लेके चलो, जहाँ बैठ के हमने ये खेल मांगा था धनी के चरणों में, अपने चित्त को मूल मिलावे के अंदर जोड़ो, क्योंकि धनी कहते हैं सोई घड़ी सोई पल, वही घड़ी चल रही है, वही पल चल रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, श्री राजजी महाराज ने केसरिया रंग की इजार, पहले तो ये सुनो कि श्री राजजी महाराज की किशोर सूरत है, 16 वर्ष की आयु, किशोर स्वरूप श्री राजजी महाराज परमधाम के अंदर और केसरिया रंग की इजार पहने हुए, सफेद रंग का जामा पहने हुए, नीले पीले रंग का पटका पहने हुए, आसमानी रंग की पिछोड़ी धारण की हुई है, सिंदूरिया रंग की पाग पहने हुए, ये 5 वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के श्री राजजी महाराज विराजमान है। श्री राजजी महाराज के चरणों में काम्बी कड़ली झांझरी घुंघरी पहनी हुई और हस्त कमल के अंदर अंगूठियां धारण की हुई है, पौंची पहनी हुई है, बाजूबंद पहने हुए हैं और गले में 5 हार पहने हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, सुंदर और सुंदर स्वरूप सज के बैठी हैं और साथ में विराजमान हैं हमारी श्री ठकुरानी जी, श्री श्यामा जी महारानी। इतनी सुंदर स्वरूपा श्यामा जी महारानी, जिनके लिए हम कहते हैं मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। मेरे पिया जी की रानी, अरिश की पटरानी, धाम धनी की दुल्हन, 16 सिंगार सज के इतना सुंदर स्वरूप धारण करके विराजमान है परम धाम के अंदर, सिंहासन पे बैठी हैं लाडली, जिन्होंने हरे रंग का लहंगा, श्याम रंग की कंचुकी, सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने हुए और गले में 8 हार धारण किए हुए हैं, 7 हार हैं गले में, सुंदर नव नव चूड़ियां पहने हुए, सोने के कंगन पहने हुए, अंगूठियां पहने हुए, पौंची पहने हुए, बाजूबंद पहने हुए और काम्बी कड़ली झांझरी घुंघरी पहने हुए श्री श्यामा जी महारानी राखड़ी पहने हुए, इतने सुंदर स्वरूपा श्यामा जी महारानी श्री राजजी महाराज के साथ सज के बैठी हैं और हम 12,000 सखियां
कोई हरे रंग की साड़ी, कोई लाल रंग की साड़ी, कोई पीले रंग की साड़ी, कोई नीले रंग की साड़ी, अनंत एक रंग में। श्रीजी साहिब जी ने सागर ग्रंथ में कहा एक रंग के अनंत रंग हैं, वो अनंत सुंदर रंगों की नंगों की जड़ित साड़ियां पहन के एक श्यामा जी ने वर्णो बीजा साथ एणी पेरे जान। श्री इंद्रावती जी ने कहा मैं श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करती हूँ, समस्त सुंदर साथ श्री श्यामा जी की तरह ही सज धज के बैठे हैं। तो ऐसा हमारा मूल मिलावा, और उस मूल मिलावे के अंदर जो कमर भर ऊंचा आया है, चार दरवाजे आए हैं और चार रास्ते श्याम रंग के हैं, और उस गिलम के ऊपर चार रंग की डोरी आई है, हरी श्याम श्वेत और जर्द, चारों तरफों सुंदर बॉर्डर आया है, और कठेड़े के साथ एक एक तकिए के साथ सौ सौ सखियां बैठी हैं। सुंदर साथ जी 6,000 सखियां कठेड़े के साथ लग के बैठी हैं, 4,000 बीच में विराजमान हैं और 2,000 बिल्कुल सिंहासन के पास बैठी हैं, और कमल की हजार पांखुड़ी का जो फूल है उसके ऊपर सोने रंग का रत्नों जड़ित सिंहासन जगमगा रहा है। इधर से राजी श्यामा जी के वस्त्रों का नूर, आभूषणों का नूर, फिर उसके बाद 12,000 सखियों का नूर और गिलम का नूर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, और चंद्रमे का नूर उतर के गिलम की तरफ आ रहा है, और चारों तरफों जो थम है हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी कंचन नूर पिरोजा और कपूरिया। और फिर जिस दरवाजे की तरफ जाते हैं हम दक्षिण की तरफ मुड़े, तो दक्षिण की तरफ पहले मानिक के दो थम आएंगे, फिर पुखराज के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं तो पश्चिम की तरफ पहले दो थम बीच में नीलवी के आएंगे, 7 दो थम 5 के आ जाएंगे। फिर हम अगर उत्तर की दिशा में खड़े हैं तो दो थम पहले पुखराज के आएंगे, फिर साथ लगते हुए दो थम मानिक के, और बाकी सारे थम हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी कंचन नूर पिरोजा और कपूरिया। इस प्रकार से 64 थम जगमगा रहे हैं, और हम सब सखियां हमारे पर आत्मा वाले तन श्री राजजी महाराज की तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं, नेत्रों में नेत्र डाल के बैठे हैं। और इस समय 4:30 बजे हमने धामधनी से जो बात कर रहे थे, तो धामधनी ने जब हम खेल में उतरने लगे तो धामधनी ने हमें कहा अलस्तो बेरब कुम फेर कह्या अरवाहों ने वले ना भूले हम, कह्या उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, कह्या उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम फेर कह्या अरवाहों ने वले ना भूले हम, कह्या उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम। धनी ने कहा ए रूहो भूल मत जाना, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? फिर कह्या अरवाहों ने वले ना भूले हम, परम धाम की आत्माओं ने कहा ए धाम के धनी हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और चौपाई में धनी कह रहे हैं पहले से कह दिया था धनी कई घर की न रहसी सुध भूल सी आप न रहसी ए बुद्ध, आप अपने परात्म वाले तन को भूल जाओगे और ये निज बुद्ध मूल बुद्ध तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। तो सुंदर साहब जी आज हम परम धाम को भूल गए, अपने आप को भूल गए और राज श्यामा जी को भूल गए। इस प्रकार फरामोशी का पर्दा हमारे ऊपर धनी ने डाला कि आज हमें कुछ भी याद नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी अभी हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता का समय होने जा रहा है, तो आइए पहले तो आपको कल के 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। पहले प्रश्न का उत्तर था हफ्से में नजर कैद में, दूसरे प्रश्न का उत्तर था उत्तम बाई,
और तीसरे का था सूरत श्री पांच महामंगलपुरी धाम, और चौथा था रास प्रकाश खटृति और कलश की दो चौपाइयां, और पांचवा था दीप बंदर में जाते हुए जल में बेहद वाणी उतरती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साहब जी, आज हमारे अगले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अब शिवजी साहिब जी द्वारा प्रकाश तथा कलश का भाषांतर कहाँ किया गया, यानी शिवजी साहिब जी ने प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को हिंदी में कहाँ पे किया, आपको उस शहर का नाम बताना है। ठीक है, श्रीजी साहिब जी ने प्रकाश गुजराती कलश गुजराती को हिंदी में कहाँ पे किया, उस शहर का नाम क्या है। ठीक है सुंदर साहब जी, आप सब ने सुन लिया। अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है, श्री मेराज ठाकुर हवसा से मुक्त कब हुए। श्री मेराज ठाकुर जी हवसा से मुक्त कब हुए, आपको संबत बताना है सुंदर साहब जी, कौन सा संबत था जब श्री मेराज ठाकुर जी हवसा से मुक्त होते हैं, ये है आपका दूसरा प्रश्न। और अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न, श्री मेराज ठाकुर जी को जामनगर हवसा से मुक्त कर जाम वजीर ने दिलासा देने के लिए क्या किया था। जब शिरजी साहिब जी को मुक्त कर दिया तो जो जामनगर का राजा था उन्होंने दिलासा देने के लिए क्या किया, उनकी रानियों ने कहा था ना, एक हिंट देती हूँ, जाम राजा की रानियों ने कहा था ना कि एक वर्ष से आपने उनको बंद कर रखा है, आपको नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी शक्तियां हैं, और तब उन्होंने उनको दिलासा देने के लिए क्या किया। चौथा प्रश्न है आपका, श्री मेराज ठाकुर ने हवसा में अवतरित सभी किताबों को लेकर कहाँ गए। श्री मेराज ठाकुर जी हवसा में अवतरित सभी किताबों को लेकर कहाँ गए, सबसे पहले ये किताबें लेकर कहाँ जाते हैं। ये है आपका पांचवा प्रश्न, श्री मेराज ठाकुर नया गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर कब गए, आपको संबत बताना है। श्री मेराज ठाकुर जी नया गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर कब गए, राजा ने दिया था ना कि जाओ एक गांव बसाओ, तो गांव का नाम तो बता दिया कि जूनागढ़ बसाने के लिए गए, पर आपको संबत बताना है कब गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी ने सुन लिया ना सुंदर साहब जी, श्री मेराज ठाकुर नया गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर कब गए। तो ये थे सुंदर साहब जी आपके पांचों प्रश्न, सुंदर साहब जी जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे हंसी आ रही है। सुंदर साथ लिख रहे हैं अनूप सिटी। सुंदर साथ जी बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अब समय होने जा रहा है, हम कल के जिन्होंने सही उत्तर दिए उस विनर की हम घोषणा करने जा रहे हैं कि वो धामधनी के नजरों में कल कौन विनर थे। तो कल थे हमारे मुकतसर निवासी साहिल जी और मनी जी शायद इकट्ठे ही देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो कल के विनर थे साहिल जी को धामधनी की तरफ से सद्गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ सुरक्षित रहना, अपना ध्यान रखना, और यही समय है
कि हम धाम धनी के चरणों में बैठकर अगर रोज 600 चौपाई भी पढ़े ना सुंदर साथ जी, तो एक परायण हमारा एक महीने में आराम से हो जाएगा। ये 40 दिन है ना जो ये परम धाम के अंदर धनी जी याद करवाएंगे हमें कि 40 दिन आपको दिए थे तो आपने 40 दिन के अंदर क्या किया था। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ तारतम वाणी का पाठ भी करें, और ये प्रगट वाणी 112 चौपाई है, अगर इसका आप रोज पाठ करते हो ना तो सुंदर साथ जी ये पूरी बीत तक पढ़ने के बराबर हमें लाभ मिलता है सुंदर साथ जी। तो ये प्रगट वाणी का पाठ 112 चौपाई है, हम पढ़ें और प्रगट वाणी को इतने ध्यान से सुनना, हो सकता है मैं प्रगट वाणी में से भी आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूं। प्रगट वाणी की चर्चा दिल से सुनते जाना, इस प्रगट वाणी में से भी प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, कल मिलते हैं फिर दोपहर को 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम।